आज नहीं, वो इत्तेफाक ऐसा हुआ बेताब भाई के वो हमारा बेटा जो है तो हर घर में हुसैनी चैनल है, दूसरे हैं, आते रहते हैं, ऑनलाइन लाइटें चलती हैं, तो वो कहीं आपका उसमें सुन रखा होगा एक कथा। तो मेरे साथ साथ बच्चा है, छोटा हो सकता है, आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा है, तो वो जिद करने लगा कि हम भी पढ़ेंगे। तो वो उसने जो पता छेड़ा तो मैंने कहा कि बेटा भंवरी साहब का पता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चार से पांच वर्ष के बच्चे की बात बता रहा हूँ कि बेटा भंवरी को खुदा ने आलम ने जो तरसीली निजाम के कलाम दिया है वो ये है कि वो बच्चे जो अभी सरहदे शऊर में नहीं, उन बच्चों तक के ज़हन और दिल में इनके मिसरे नक्श हो जाते हैं। वो कुछ है अभी पढ़ेंगे बेटा भाई मौलवी अब्दुल कुद्दूस मुकामात है कुछ को, तो वो अभी इंशाल्लाह खुद ही पढ़ेंगे। मैं मेरा भाई आ रहा है, माइक लगवाने वाले को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, इसलिए कि शुरू में मुझे पता चल गया था कि प्लानिंग क्या है। शोरा ज्यादा था तो ये प्लानिंग हो गई थी कि 20 मिनट में माइक को फिक्स कर दिया जाएगा, 20 मिनट तो ठीक चलेगा, जैसे 21वां मिनट होगा माइक आवाज खींचने लगेगा। अल्लाह का शुक्र है कि ये कामयाब रहा, सबने पढ़ लिया, वरना डेढ़ घंटा पढ़ने वाले थे लोग। मैं एक कथा आगे करता हूँ कि दाग जब मिलती नहीं बेताब शेरों पर मुझे, दाद जब मिलती नहीं बेताब शेरों पर मुझे, ऐसा लगता है कि मेरा शेर जापानी है। दाद जब मिलती नहीं बेताब शेरों पर मुझे, ऐसा लगता है कि मेरा शेर जापानी है। आप लोग का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप लोग दांत के साथ दुआएं भी दे रहे हैं। दांत जब मिलती नहीं आप शेरों पर मुझे, ऐसा लगता है कि मेरा शेर जापानी में है। और क्या मिलेगी वो थ्री स्टार होटल में जरा, जितनी लज्जत में घट है। अच्छा मिसरे और समाप्त कमाइए हजरत अबू तालिब अलैहि सलाम के सिलसिले से कि मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मुझे काफी बताया जा रहा है, मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मुझे काफी बताया जा रहा है। मुसलमानों जरा होशियार रहना, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। वाह वाह, मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मुझे काफी बताया जा रहा है। मुसलमानों
जरा होशियार रहो, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। और ये चार मिसरे मैंने अपने आप से फरमाइश की, ये चार मिसरे भारत का नाम सुना तुमने कि जनाब मोहसिन को किसने मारा जो ये बताने का दम नहीं है। जनाब मोहसिन को किसने मारा जो ये बताने का दम नहीं है। तो चाहे जितनी उम्र हो उसकी, वो मौलवी मोहतरम नहीं है। उसी से चांद के आंगन में भी उजाला है। तबीयत सही नहीं थी इसलिए मतलब ऐसा हो गया है। आप तीसरा सुरक्षा मुसार सुनोगा, खुदा ने नूर के चांद में जिसको डाला है उसी से चांद के आंगन में भी उजाला है और चमक रहा है। सेना हुसैन का चेहरा चमक रहा है, चमक रहा है सेना पर हुसैन का चेहरा। अमीर शाम का मुंह भैंस से भी काला है। सेना का हुसैन का चेहरा, अमीर शाम का मुंह भैंस से भी काला है। और ये कथा पूरी दुनिया में हैबत अब्बास के सिलसिले से इससे बड़ा पता अभी तक नहीं आया। आया जन्म में वारिस से शमशीर है हैदरी, आया जन्म में वारिस से शमशीर है हैदरी। दुश्मन कह रहे थे अली का खाना, दुश्मन भी कह रहे थे अली का शबाब है। अब बोला जो शेर शिमर कहाँ है, बोला जो शेर शिमर कहाँ है, छुप गया तो तबीयत खराब है। बोला जो शिशिर रहा है तो चुप कहला दिया कि कटो तो तबीयत खराब है। और एक कथा मुझे याद आ गया, बहुत जमाना हो गया इसे पढ़े हुए। समाज रामायण जी शेर खुदा ने शेर के सांचे में ढाल के, शेर खुदा ने
शेर के सांचे में ढाल के अपने ही जैसा कर दिया गाजी को पाल के। शेर के सांचे में ढाल के अपने ही जैसा कर दिया गाजी को पाल के। तो कौफे जरी से आई नहीं कर बुलाई निकाल के। अब आखिरी कथा से पहले वाले कथा हाजिर करता हूं कि अली के बुग्ध के तोते हैं तोता चश्मा। अली के बुग्ध के तोते हैं तोता चश्मा। सुनाते रहते हैं फतवे रटे रटाए हुए। सुनाते रहते हैं फतवे रटे रटाए हुए। अरे वो बन गई फोकट में मोमिन की माँ। अरे वो बन गई फोकट में मोमिन की माँ। उन्हें नहीं तो मिल गए बच्चे पले पलाए हुए। उन्हें तो मिल गए बच्चे पलाए हुए। अरे वो बन गई फोकट में मोमिन की माँ। उन्हें तो मिल गए बच्चे पले पलाए हुए। और आखिरी कथा जो बड़े भाई अपनी सास कबीला ने हुक्म दिया है समाज समय इस कथा को पढ़ने में तरन्नुम से भी ज्यादा मदद लगती है। लेकिन इससे पहले एक कथा पढ़ दूं इसलिए शुरू से ही मैं सोच रहा था कि वो कथा जरूर पढ़ूंगा। देखिए हर कोई कहता है कि लोग लिफाफा मापते हैं लिफाफा तय करते हैं कारोबार करते हैं लेकिन लेकिन हर कोई उन शायरों का कुछ दर्द भी है वो नहीं जानते। सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं दूसरा पहलू नहीं देखते। मैं चार मिसरे हाजिर कर रहा हूँ समाप्त समय कि पैदा किया है इसी गम के वास्ते। पैदा किया है इसी गम के वास्ते। बाहु खुदा ने बख्शे हैं मातम के वास्ते। पैदा किया है इसी गम के वास्ते। बाहु खुदा ने बख्शे हैं मातम के वास्ते। तो जो गम लिफाफा दे देगा वो दोजख में जाएगा। और आखिरी कथा के एक वाकया है इसी को मैंने नग्न कर दिया है। तो दो दोस्तों की बात हमारे दोस्त हैं मौलवी अब्दुल कुद्दूस हाँ ये तो याद है। बकरा लेकर जो चले मौलवी अब्दुल कुद्दूस। ये नाम नहीं ये पाइथागोरस परमय है। इधर
बकरा लेके चल चले मौलवी अब्दुल। मैंने धीरे से कहा ये तो बड़ा दुबला है। बकरा लेके चल चले मौलवी अब्दुल। मैंने धीरे से कहा ये तो बड़ा दुबला है। हंस के बोले कि 1,25,000 में पाया है उसे, इसको बकरा न समझना, ये अबू बकरा है। जहां देखो मुसलमान भाई भाई जान होते थे, जहां देखो मुसलमान भाई भाई जान होते हैं, गदीरे खून की बातों से मगर अनजान होते हैं। जहां देखो मुसलमान भाई भाई जान होते हैं, गदीरे खून की बातों से मगर अनजान होते हैं। और कहा बीवी ने तो 2,00,000 का बकरा उठा ला, कहा बीवी